तो गाइस आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र की मोरी में डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर तीन तरह के ट्रायंगल बनाए हुए हैं। एक है हमारे ट्राउज़र के ही कलर का और दो है मैचिंग कलर के, एक वाइट और एक दूसरा। इन तीनों ट्रायंगल को मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर कम्प्लीट होगा ट्राउज़र में। दोस्तों इस डिज़ाइन को आप अपनी स्लीव्स में भी बना सकते हैं, कुर्ती के दामन में भी बना सकते हैं और ट्राउज़र में भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने एक चिपकने वाली बुकरम ली हुई है, जिसकी चौड़ाई है लगभग 2.25 इंच और एक इतना बड़ा ये छोटा सा बुकरम का पीस लिया हुआ है, इसको गोल करके काटा हुआ है। इसकी लंबाई है 2.25 इंच और चौड़ाई है 1 इंच। इसको हम इस पर रख के डिज़ाइन में कटिंग करेंगे। तो पहले हम यही कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आगे का काम आपको बताएंगे। तो देखिए बुकरम को पहले हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेते हैं और डबल फोल्ड करने के बाद ये जो है हमारा, इसको भी हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं निशान, ऐसे करके इसको खोल लें और खोलने के बाद अपनी पेस्टिंग को भी खोल लें। इसको ऐसे करके रखें बिल्कुल बीच सेंटर में, बिल्कुल बीच सेंटर में मिलाएं और फिर उसके बाद ही निशान लगाएं, जल्दबाजी ना करें इसमें बिल्कुल भी। ये निशान लग गया, इसके बाद आप चाहें तो इस बुकरम को ऐसे फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद ऐसे करके इसको दोबारा सेट करें। दोबारा जो सेट करेंगे वो करेंगे इस तरीके से, देखिए ध्यान से देखना, यहाँ से जो आपने ये पहले निशान लगाया या इस निशान से 1/2 इंच की दूरी पर इसको सेट कर लें ऐसे करके। फिर इसके बाद ये जो निशान लगे हैं इन निशानों पर आप कटिंग कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे नंबर वाइज नंबर कंगूरे काट लिए हैं। अब इसके बाद हम अपने इस पैटर्न को, ये कंगूरे वाले को, ट्राउज़र के सेम कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो गाइस अब हम सबसे पहले तो अपने ये ट्रायंगल हैं इनको आपस में जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे देखिए, सबसे पहले रखेंगे वाइट वाला ट्रायंगल, फिर रखेंगे येल्लो वाला और फिर रखेंगे ये वाला। इन तीनों ट्रायंगल को ऐसे करके थोड़े थोड़े मार्जिन से ऐसे सेट करेंगे और सेट करने के बाद इनके ऊपर ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये ट्रायंगल जोड़ लिए हैं और यहाँ पर देख लें कि आप ये इसके बीच में ऐसे करके आसानी से सेट हो जाएंगे ऐसे, यहाँ पर इतने। बस इसी हिसाब से आपको ये तीनों जितने भी ट्रायंगल हैं आपको एक जैसे ये बन गया यहाँ का, ऐसे यहाँ 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 सब जगह के आपको ट्रायंगल बना लेने हैं। तो गाइस ये सारे ट्रायंगल तो हमने बना लिए हैं, अब इसके बाद बनाएंगे अपने ये जो कंगूरे हैं इनको ट्राउज़र में। कैसे बनाएंगे देखिए, ये जो इसके आगे का मार्जिन आप देख रहे हैं इसको बिल्कुल मिलाकर काट दें ऐसे बुकरम से। इसके बाद खोले अपना ट्राउज़र, सीधे भाग के ऊपर आप जो बीच वाला ये कंगूरा है इसको बिल्कुल बीच में ऐसे करके सेट कर लें और सेट करने के बाद में पहले बीच वाले पर ही सिलाई लगाएं ऐसे। इसके बाद फिर इसके बराबर वाले पे, फिर इधर और फिर बाकी सारे पे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर का जो थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर देना है। फिर छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं और ध्यान रखना है जो आपने सिलाई अभी लगाई है वो सिलाई ना कटे। तो गाइस नोचेस लग गए हैं, इसके बाद इसको ऐसे करके खोलना है आपको धीरे धीरे। एक साइकिल की तीली ले लेनी है आपको और इसकी मदद से ऐसे धीरे धीरे आपको ये पुश करना है, यानी बाहर की तरफ को निकालना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर बारी बारी हमने सारे कंगूरे इस तरीके से निकाल लिए हैं और अब इसके बाद इन पर फिनिशिंग के साथ पहले प्रेस कर लेते हैं। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ से एक किनारे की सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है ऐसे, साथ में आपको अपने वो ट्रायंगल भी ले लेने हैं जो कि आपने पहले ही जोड़े थे। इन ट्रायंगल को ऐसे पहले नीचे सेट कर लेना है बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से सेट करना है, ऐसा ना हो कि इसमें कोई कपड़ा आपका आगे पीछे हो जाए। फिर आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है और दूसरे ट्रायंगल को पहले ही सेट करके देख लेना है एकदम एक बराबर, कोई भी ऐसा ना हो आगे पीछे हो जाए या छोटा बड़ा हो जाए। ये सेट हो गया, अब इसके बाद ऐसे करके बढ़िया तरीके से सेट कर लें। इसके बाद पहले मशीन को घुमा लें,
फिर दोबारा से दूसरा ट्रायंगल लें, तो देखिए गाइस बारी बारी हमने अपने सारे ट्रायंगल्स कुछ इस तरीके से अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक कपड़ा और ट्राउज़र का सेम बिल्कुल, तो ये हमने एक कपड़ा लिया सेम ट्राउज़र का ही, इसकी चौड़ाई कुछ इस प्रकार है देखिए 4 इंच। इसको ऐसे करके इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे और यहाँ से 1/4 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई मार देंगे। फिर इसके बाद इसको ऐसे करके सीधा कर लेंगे, फिर इसको ऐसे करके पलटेंगे और फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो देखिए गाइस बिल्कुल एक बराबर सिलाई हमने लगा ली है। यहाँ पर भी देखिए हमारा मार्जिन अंडरग्राउंड है और यहाँ पर भी एकदम फर्स्ट क्लास है। अब यहाँ की तरफ एक किनारे पे सिलाई और लगा देंगे। गाइस ये हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम आपको इसको बंद करके दिखा देते हैं ऐसे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। तो देखिए गाइस ये है हमारे ट्राउज़र का फाइनल लुक। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।